गाइस ऐसी बात है, आज मुझे सुबह से काम करना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सिस्टर्स चैनल। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से मैं ही उठी हुई, तो मैंने ही सोचा कि मैं ही शुरू करूँ आज का व्लॉग। गाइस ऐसी बात है, आज मुझे सुबह से काम करना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। हाँ तो आज अर्जुन की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब आज नहीं वैसे तो उसकी कल रात से तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर मतलब उसके बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या उसको सर दर्द हुआ अचानक से, और फिर उसके बाद से वो लेटी है, और फिर उसके बाद उठ भी नहीं पा रही है। तो आज मैंने सोचा कि मैं ही व्लॉगिंग करूँ। हाँ तो फिर आज की व्लॉगिंग मैं ही कर रही हूँ, और मेरी हालत को इग्नोर करना क्योंकि सुबह से मैं 7 बजे से उठ रही हूँ। जो बंदी मतलब इतनी लेट उठती है, मैं बताऊँगी नहीं अपनी टाइमिंग, जो इतनी लेट उठती है वो सुबह के 7 बजे उठ रही है। और क्या बताऊँ ना, मैंने सुबह उठ के नाश्ता बनाया 7 बजे, जो कभी खुद नाश्ता नहीं करती क्योंकि खुद लेट उठती है इसीलिए नहीं करती हूँ। मैंने किसी के लिए नाश्ता बनाया आज पहली बार, और सो भी 7 बजे उठ के। तो मैंने नाश्ता बनाया जीजू के लिए, फिर जीजू को मतलब नाश्ता खिलाया, फिर उसके बाद वो ऑफिस गए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी लेट गई, फिर मैंने नाश्ता बनाया अर्चू के लिए। अपने आप तो मैं खुद खाती नहीं हूँ, तो मैंने अर्चू के लिए नाश्ता बनाया। अभी प्रहान भी उठ गया है तो उसके लिए भी बनाना है। हाय हाय इतना काम, और किचन की हालत कुछ ऐसी होगी, ये मैंने करी है क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, सुबह सुबह तुम किसी ऐसे इंसान को उठा दो तो यही होगा ना, क्या कर सकते, उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद बीमार है बेचारी। और मेरा हाथ देखो हल्दी से कैसे हो गया। तो मैं तुम्हें मिलाती हूँ तुम्हारी प्यारी दीदी से, जो कि लेटी पड़ी है और अंधेरा है इस रूम में। ए बाबू, ये आपकी प्यारी दीदी लेटी पड़ी है बेचारी, बीमारी से लतपत हो गई। अभी इसको तो हटा दे, देख रहे हो, ओए उठ जा, हाय बोल दे अपने अपने लोगों को, ये हाय बोल रहा था, बोल हाय, हाय बोल दे, हाय, ले ले ये शक्ल देख रही तो कैसी हो रही है मेरी, उससे भी बुरी हो रही है। तूने क्या ब्लॉग शुरू, आज मैं हूँ तो तूने लिखे है, ये क्यों लिखा है तूने, ब्रदर नेम पूरा प्रकाश, प्रकाश की लकी का नाम पूरा क्यों नहीं लिखा, अरे वो गिर गया वापस से, एज 21 तुझे अपने बच पापा मम्मी का नाम नहीं है क्या पता, तो खाते पानी लाना, गंदा हो रहा है क्या, नहीं अच्छा हो रहा है, अरे मेरा इधर दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रहा है ना, मटके से लाना, अच्छा रोल बनाऊं आपके लिए। हाय गाइस, तो अभी मैं थोड़ा सा सब्जी लेने गई थी क्योंकि यहाँ पर प्याज आलू जो थोड़ा नेसेसरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो भाई मैं अभी जब ऊपर आ रही थी ना, मेरे को सीढ़ियों में चक्कर आ गए, तुम मेरे को सीढ़ियों में चक्कर आने लग गए थे, कल रात से कुछ खाया भी नहीं था मैंने, उसके बाद मॉन्टी ने नाश्ता बनाया था, रोटी खाते ही यहाँ दर्द होने लग गया था, चबाते ही क्योंकि बॉडी में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं आज कुछ किया ही नहीं है दीदी, सुस्त नहीं आ रही यार, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है,
नहीं किया, खाना भी अभी मोंटी ने ही बनाया। बहुत थकान लग रही है, बहुत ज्यादा बना दिए, दाल बना दी। ये मैं सब्जियां लेकर आई हूँ, खीरा वगैरह खत्म हो गया था। प्रहान के काम, अब मोंटी भी क्या क्या करेगी, घर में बहुत हो रही है। अभी उठ रही हूँ मैं नाश्ता करने के बाद, मैं फिर लेट गई थी, सिर्फ उसके लिए उठी हूँ सब्जी लेने के लिए। और मैंने स्प्राउट्स भिगाए थे, मैंने बताया था दाल भिगाई थी, तो मैंने स्प्राउट्स बना लिए हैं, मैंने यूट्यूब से देखा। तो फिर एक डब्बा तो सुबह ले गया प्रकाश, और ये अभी और जब थोड़ा सा ग्रीन और आ जाएगा ना, माइक्रो ग्रीन टाइप बन जाएगा ही, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। तो प्रकाश ने तो ऐसे ही खा लिए सारे, अभी तो बस इतना ही इनमें मुँह आया है, बट जब प्रॉपर ग्रीन ऐसे लीव्स आ जाएंगे ना तो बेस्ट होएगा। तो फिलहाल मैंने इसको फिर से कॉटन के कपड़े से सोक करा है, इसको भिगा के इसको मैं इसके ऊपर रखती हूँ प्रहान से दूर, जाके अपने रूम में लेट जाती हूँ। ओहो यहाँ अभी तो आज कैसा हो रहा था, यहाँ सारे खिलौने बिस्तर में है। ये बेचारी मैडम थक गई, हट तो मैं भी लेटूं। एक्चुअल में तूने मॉर्निंग से वो सारे काम कर रही है जो मैं करती हूँ। आज सुबह क्या हुआ कि प्रकाश को ऑफिस जाना होता है तो टाइम हो गया था नाश्ता बनाने का, पर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मैं उठूं खड़ी। कल रात मैं पेन किलर खा के सोई हूँ पूरी रात, मेरा आपस में मिलन हो गया। इनका मेरे बाल पूरी रात मेरा इधर कान में दर्द हुआ, दोनों कान में, इधर बैक में, पेन किलर खा के मैं सोई थी। सुबह में मैं उठने की कोशिश कर रही थी पर मेरी बॉडी पूरी ऐसे लग रहा था किसी पहाड़ से मैं गिरी हूँ, इतना दर्द हो रहा था सारे शरीर में। फिर मैंने मोंटी को बोला, मैंने कहा यार उसने ऑफिस जाना है, बना दे कुछ। मोंटी ने रोटी बना दी थी, सब्जी प्रकाश ने वही खा लिया था, तो फिर ठीक है अभी भी खाना बना लिया। और आज पता नहीं प्रहान को पता होगा या कुछ, उन्होंने ना, मैंने वैसे उसको जब वो सुबह उठा था तो बोला था मम्मा को हाई हो रही है, तो उसको शायद समझ आता है ना हाई मतलब दर्द हो रहा है। तो आज सुबह उठा, अपने आप से नाश्ता कर लिया उसने, कोई परेशान नहीं किया मुझे, वरना तो मैं उसके पीछे एक घंटे तक लगी रहती हूँ, खुद से अपने हाथ से खा लिया। और अभी खेल रहा है, अभी तक परेशान नहीं किया ज़्यादा, टच वुड। मैं सोती हूँ थोड़ा और, सोती क्या लेती हूँ मतलब, मिलती हूँ तुम्हें, इसके पापा आएंगे तब। अभी थोड़ा मैं ठीक फील कर रही हूँ तो मैं प्रहान को लेके वॉक पे जाती हूँ, क्योंकि मैं शाम से बस सो ही रखी हूँ। चलो प्रहान ठीक है, ऐसे बदतमीजी मत करो आज प्लीज, चलो गाड़ी निकालेंगे, चलो ठीक है मैं निकलती हूँ।